और जो है होम मिनिस्टर्स है, होम मिनिस्टर्स पूरे जितने भी है उनको पता नहीं क्या गुमराह करके क्या है, इन लोगों की सपोर्ट लेके ये होम मिनिस्टर्स का इतना धमका दे, कई लोग इनका शिकार हो चुके हैं, समझे आप। इन्हों एक लेडीज को भी मैं डॉन हूँ बोल के ऑलरेडी दूसरे लेडीज को भी डॉन हूँ मैं इतना के क्या बताता हूँ, गन शॉट पे और फायर भी करे, कई केसेस इनको लैंड ग्रैबिंग पे है। और इनका एक भाई है जो कैनेडियन सिटीजन दिलावर पटेल, उनकन भी उनको कैसा देती अपनी कंट्री कैनेडियन सिटीजन को यहाँ का लाइसेंस, मुझे बहुत ताज्जुब है। बस ये लोग ऐसा है, सिर्फ इनको गन की जरूरत क्या है, इनको पॉलिटिशियंस की क्या जरूरत है, इनको पुलिस की क्या जरूरत है, इनके क्या कारोबार है अभी आप क्या चाह रहे हैं पुलिस जी से? नहीं मतलब ऐसे लोगों को पुलिस पॉलिटिशियंस सपोर्ट करने की वजह से ये लोग धमका रहे हैं, ये फोटोज लेके सबको धमकाते, समझे ना। तो मैं ये चाह रही हूं कि बस मैं इनकी चुंगल से मतलब इनके टॉर्चर से मेरे को सुकून मिलना और मेरे बच्चे को पूरा इन्हों नाम देना, बस मैं ये चाह रही हूँ। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट पे नाम है और मैं डीएनए टेस्ट कराने के लिए भी रेडी हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्हाट्सअप अनकट शो में आपका इस्तकबाल है, मैं हूँ शाहिद कुरैशी। नाज़रीन आज का हमारा शो काफ़ी गौर करने सुनने लायक समझने लायक है। नाज़रीन मैं बहुत दिन से खामोश था, हमारे चैनल पर एक सब्जेक्ट मैंने इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, बताया ही नहीं, और वो सब्जेक्ट था दुनिया भर की मशहूर हस्ती जाबिर पटेल और एक खातून साजिदा जरीन जो अपने आप को जाबिर पटेल की अहलिया बताती है। ये सोशल मीडिया पे, दूसरे अखबार में, दूसरी जगहों पर काफ़ी चर्चे चल रहे थे कुछ दिनों से इस उन्वान को लेकर। जहाँ तक मेरा सवाल है, बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया, जाबिर पटेल के लोगों ने भी मुझसे सवाल किया, साजिदा जरीन के लोगों ने भी मुझसे सवाल किया कि आपके चैनल पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, इनके ताल्लुक़ से क्या बात है। तो नाज़रीन मैंने सोचा आज बहुत दिन बाद इस सब्जेक्ट पर कुछ खुलासा हो जाए, कुछ अपनी खामोशी को खोल दो। नाज़रीन मैं दोनों को करीब से जानता हूँ, जाबिर पटेल को जानता हूँ बहुत करीब से, साजिदा जरीन को भी जानता हूँ। नाज़रीन आज हमारा सब्जेक्ट, आखिर हुसैन पटेल का बाप कौन है, ज़रा गौर करिएगा नाज़रीन। बहुत दिन बाद मैं इस सब्जेक्ट पर बात कर रहा हूँ। एक तरफ हमारी एक मुस्लिम बहन रोते हुए दहाड़ते हुए कह रही है कि उसके बेटे का हक दो, जिसका बाप जाबिर पटेल है। दूसरी तरफ जाबिर पटेल के चाहने वाले कह रहे हैं कि बच्चा जाबिर पटेल का नहीं होता। तो नाज़रीन चलिए हम मान लेते हैं ये औरत झूठ बोल रही है, जाबिर पटेल सच बोल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ प्रूफ्स आए हैं जो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। फोटोस, जाबिर पटेल के फैमिली फ़ोटोज, बच्चे के साथ, उनकी बीवी के साथ, किसके साथ है फ़ोटो, खैर छोड़िए फ़ोटोज़ का भी छोड़िए, फ़ोटोज़ किसी के भी साथ हो सकते हैं, इसको हम प्रूफ हमारे चैनल पे ज़रिए नहीं दे सकते। ये और एक चीज़ हम आपको व्हाट्सअप अनकट प्रोग्राम के ज़रिए पेश कर रहे हैं, हुसैन पटेल का पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें जाबिर पटेल का नाम है। क्या कोई भी औरत अपनी औलाद को किसी भी मर्द को लेके आकर बाप तो नहीं बना सकती है? ये तो ख़ास तौर पर मुसलमान औरत नहीं बना सकती, ये हम मानते हैं। आपको एक बात और बता दें नाज़रीन, शायद ये औरत गलत हो, साजिदा जरीन जिस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि इतने FIR है, उतने 500 FIR होंगे औरत पर, उससे इस बच्चे का क्या लेना देना, मासूम बच्चे को क्यों पीसा जा रहा है। नाज़रीन पब्लिक को गुमराह करने के लिए ये औरत के केसेस शामिल आए, ऐसा हमारा मानना है। दूसरी चीज़, जाबिर पटेल कोई मामूली हस्ती नहीं है, जाबिर पटेल दुनिया भर की एक मशहूर हस्ती है, एक इज़्ज़तदार बिजनेसमैन कहिए, सोशल वर्कर कहिए, पॉलिटिशियन कहिए, कुछ भी कहिए,
एक मशहूर हस्ती जाबिर पटेल है कोई मामूली बात नहीं है। ऐसी हस्ती पर इल्ज़ाम लगना, और आज तक जाबिर पटेल ना मीडिया के सामने आए, ना किसी के सामने आए, ना इसका खुलासा किया। चलिए ठीक है, उनकी अपनी मजबूरी हो सकती, शायद नहीं आना चाह रहे होंगे, लेकिन जितने भी लोग उनकी जानिब से इस औरत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं या जो कुछ भी फेसबुक पर वगैरह पोस्ट कर रहे हैं, बहुत ही अफसोस की बात है नाज़रीन। बड़ी ही शर्म आ रही है और अफसोस भी हो रहा है मुझे आज ये बुलेटिन पेश करते हुए, क्योंकि ये छिछोरापना बंद करिए। साजिदा जरीन से भी गुजारिश है कि ये छिछोरापन बंद करिए। जाबिर पटेल से भी गुजारिश है कि अपने साथियों से या अपने दोस्तों से ये सब इल्ज़ाम मत करवाइए, इसमें माशरे में नाम ख़राब हो रहा है। एक ही सवाल है नाज़रीन, डीएनए टेस्ट करा दीजिए, क़ानून की मदद लीजिए। अगर साजिदा जरीन का इल्ज़ाम गलत है, हुसैन पटेल अगर जाबिर पटेल का बेटा नहीं है, तो साजिदा जरीन को इसका भारी नुकसान भरना पड़ेगा। अगर है, डीएनए टेस्ट में साबित हो गया है, तो यकीनन शरई एतबार से, कानूनी एतबार से जाबिर पटेल को, हुसैन पटेल को अपना बेटा कबूल करना ही पड़ेगा। तो लिहाजा मैं ये आवाम पे छोड़ देता हूँ। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत जल्द ऐसा सुनने में आ रहा है कि अदालत में एक पिटीशन भी फाइल होने वाला है डीएनए टेस्ट के लिए। तो मासूम बच्चे के साथ इंसाफ होना ज़रूरी है, ना ही एक दूसरे पर इल्ज़ामात, ना ही ये छिछोरापन, माशरे की ख़राबी। जाबिर पटेल भी एक मशहूर हस्ती है, इनके लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। साजिदा जरीन जो एक माँ है, चाहे उसके चार शादी हो, पांच शादी हो, उससे मतलब नहीं। जब वो औरत कह रही है कि ये जाबिर पटेल का बेटा है, दावे के साथ डीएनए के लिए तैयार है, तो डीएनए करवाना चाहिए, कानून को आगे बढ़ना। नाजरीन देखा आपने, इतना सब देखने के बाद मेरे तो होश उड़ गए। मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। या ये लेडी साजिदा जरीन गलत है, या फिर जाबिर पटेल गलत है, दो में से कौन सही है? नाजरीन जाबिर पटेल जो दुनिया भर में मशहूर हैं अपनी एक एक दावत करने के लिए, 25-25 30-30 लाख खर्चा करते हैं एक दावत करने के लिए, बड़े बड़े दुनिया भर से वीआईपीस आते हैं उनके दावतों में, तो क्या ऐसा शख्स एक अपने बेटे को कबूल नहीं करेगा, उसका हक नहीं देगा? मैं तो नहीं मानता हूँ। जाबिर पटेल इतनी बड़ी हस्ती जो एक दावत में 40-50 लाख खर्चा कर देते हैं, दुनिया भर के वीआईपीस उनकी दावत में आते हैं, तो वो इतना झूठ तो नहीं बोल सकते। अगर ये झूठ साजिदा जरीन कह रही है, तो इसकी सज़ा भुगतना पड़ेगा। तो इन सब का हल डीएनए टेस्ट करवा लें तो बेहतर होगा। और एक बात नाजरीन, अब इतना सब एपिसोड देखने के बाद मुझे तो काफ़ी डर हो रहा है, बहुत हैबत हो रही है, परेशान हो जा रहा हूँ, बीपी शुगर हाई हो जा रहा है। कल को खुदा ना खास्ता कोई भी औरत अपने बच्चे के लिए मेरा या किसी वीएपी का या किसी एक्टर का नाम डालकर क्लेम कर दे, क्या इंडिया में ऐसा होता है? मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन ये एपिसोड देखने के बाद तो मुझे एक अजीब व गरीब डर पैदा हो गया है नाज़रीन, कुछ भी हो सकता है। आज का मेरा अपना एक ख्याल राय व्हाट्सएप अनकट प्रोग्राम के ज़रिए आवाम तक, अब आवाम चाहे इसे कबूल करे या ना करे, नेगेटिव एंगल दे, पॉजिटिव एंगल दे, ये मैं आवाम पर छोड़ता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।